हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंकित कुमार राणा और आज हम आपको बताएंगे नेवी एमआर जीके का जो सेट टू होगा वो भी चैप्टर संस्कृति एवं सभ्यता का, कल्चर एंड रिलीजन का सेट टू होगा। अगर सेट वन नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये दोनों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। और नेवी एमआर जीके का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं, जो आएंगे, सभी क्वेश्चन को मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किला राय का जो पैथोरा तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित निम्नलिखित शहरों में से किस किस में स्थित है? तो आगरा दिया है, नई दिल्ली है, जयपुर दिया है, अजमेर दिया है। ये है क्वेश्चन कल्चर एंड रिलीजन का, संस्कृति एवं सभ्यता का एक चैप्टर ही दिया हुआ है नेवी एमआर के सिलेबस में। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किला राय जो है पिथोरा तोमर एंड बिल्ड बाय द तोमर राजपूत इज लोकेटेड इन विच एमंग द फॉलोइंग सिटीज़? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो नई दिल्ली होगा। हम सीधा आपको ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस हो रही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है, चिश्ती आदेश एक सूफी आदेश है जो चिश्ती से उत्पन्न हुआ, जो निम्नलिखित देशों के बीच एक छोटा शहर है। ठीक है, चिश्ती ऑर्डर इज ए सूफी ऑर्डर विच एरोज फ्रॉम चिश्त ए स्मॉल टाउन इन विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है, निम्नलिखित में से किसे दूसरा बुद्ध कहा जाता है मेरे भाई? अब देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज एल्सो वेनरेटेड एज ए सेकेंड बुद्ध? इनमें जो दिया हुआ है किसे हम दूसरा बुद्धा कहा जाते हैं, बुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है पद संभव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है अवलोकितेश्वर और तीसरा है मैत्रेय और चौथा है महास्तंभ। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? किस में देता है ये नहीं पूछा गया, लेकिन वर्ष पूछ गया है। तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये वाला ऑप्शन आएगा आपको, ऐसा हिंदी नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये वाला आएगा आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1963, 1965, 1967, 1969, 1963, 1965, 1967, 1969। इन विस ईयर दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट, किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर मेरे फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है वो 1969 में हमारा जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइव नंबर, इच ईयर रमज़ान अकर अबाउट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर? अब देखिए, प्रत्येक वर्ष रमज़ान पिछले वर्ष के फ्रॉम से कहाँ होता है? अब देखिए, 11 दिन पहले 11 दिन बाद या फिर 17 दिन अर्लियर। ठीक है, 17 दिन पहले या फिर 17 दिन बाद। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई, फाइव नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और ये 11 दिन जो है वो पहले फ्रॉम से होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर से होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छः नंबर, सिंधे ख्वाब महोत्सव भारत के लिए निम्नलिखित राज्यों में किस में मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तरा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो हमारा सिंधे ख्वाब महोत्सव भारत के लिए निम्नलिखित राज्यों में से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, जापानी कला इकवाना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फूलों की सजावट, दीवार की पेंटिंग या कोरस या डांस या फिर मूर्तियाँ? देखिए, द जापानीज आर्ट इकवाल इज ए रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग, फ्लावर डेकोरेशन, वॉल पेंटिंग या फिर कोरस डांस या फिर मूर्तियाँ, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्कल्पचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेवन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों की सजावट को जापानी कला इकवाना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, भारत आंदोलन भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसके संबंध है? अब देखिए, भगत मोमेंट इज ए रिलेटेड इन विच एमंग द फॉलोइंग ट्रिप्स ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन है बिरोह, दूसरा ऑप्शन है भील और तीसरा ऑप्शन संताल एंड खोल। तो ऑप्शन नंबर एट का जो है ऑप्शन नंबर बी जो हमारा भील है वो ऑप्शन नंबर मैच किया है और ये राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो संथाल होगा मेरे पास, भगत आंदोलन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर भगत आंदोलन भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किससे संबंधित है, ये जो है भील से संबंधित है मेरे भाई, भील से, संथाल नहीं होगा, संथाल तो जनजाति ही है। ठीक है, देखिए एलिफेंटा की गुफाएं अधिकतर किस वंश की है, अब देखिए चालुस चोल या फिर रसित क्रूरस या फिर पल्लव, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, जो इसको हम बोलते हैं रस्त्रिकूटस। ठीक है, रस्त्रिकूटस। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम रखते हैं 50 लाइक का टारगेट, आप जल्दी पूरा कर दोगे। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ है मेरे भाई, बेंगलुरु, मैसूर, पंजाब नहीं है, भोपाल और लखनऊ, तो ऑप्शन यहाँ पर मार सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स करें, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर मैसूर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।